ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के खौफ के चलते जिला कांगड़ा में बाहर से आने वाली निजी वोल्वो बसों और कांगड़ा घाटी में रहने वाले ट्रेन्स को बंद कर दिया गया है। वहीं एचआरटीसी वोल्वो बसों में केवल हिमाचलियों को ही लाने के निर्देश दिए गए हैं। कांगड़ा घाटी में घरेलू व विदेशी पर्यटक न आए ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला प्रशासन कोरोना को लेकर हर तरह से एहतियात बरत रहा है। कोरोना वायरस के खौफ के चलते जिला कांगड़ा में बाहर से आने वाली निजी वोल्वो बसों और कांगड़ा घाटी में आने वाले ट्रेन्स को बंद कर दिया गया है। वहीं एचआरटीसी वोल्वो बसों में केवल हिमाचलियों को ही लाने के निर्देश दिए हैं। कांगड़ा घाटी में घरेलू व विदेशी पर्यटक न आए ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला प्रशासन कोरोना को लेकर हर तरह से एहतियात बरत रहा है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश में घरेलू व विदेशी पर्यटकों की एंट्री बंद कर दी गई है। दिल्ली से आने वाले निजी वोल्वो को बंद कर दिया गया है। एचआरटीसी वोल्वो वालों को केवल हिमाचली लोगों को ही लाने की बात की गई है। इंटरस्टेट बसों को कल से बंद किया जाएगा। ट्रेन आज मिडनाइट से आगामी आदेशों तक जिला में बंद कर दी गई है। कांगड़ा एयरपोर्ट पर प्रशासन लगा हुआ है। एयरलाइंस के माध्यम से दिल्ली में भी जानकारी दी जा रही है कि घरेलू व विदेशी पर्यटक यात्रा ना करें। इसके बावजूद कुछ लोग आ रहे हैं जिन्हें हम एयरपोर्ट पर रोक रहे हैं। अगर एहतियाती तौर पर किसी के माध्यम से हमें परेशानी हुई तो उसे अरेस्ट भी किया जाएगा। वहीं कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि मास्क और जागरूकता होर्डिंग्स की कालाबाजारी को रोकने के लिए डीएफएससी और जिला प्रशासन को पिछले एक सप्ताह से चौकन्ना किया गया है। होर्डिंग्स आदि चीजें कोई महंगे दामों पर बेच रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में बीते कल इंस्पेक्शन के दौरान टांडा के पास ऐसा मामला संज्ञान में आया जिस पर हमने तुरंत एफआईआर दर्ज की है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह को लेकर 104 या 170 पर तुरंत सूचित करें। हमारे लोग 24 घंटे कंट्रोल रूम में तैनात हैं। बाजार बंद रखने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। अभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। लोगों को कम से कम परेशानी हो इसको लेकर कांगड़ा प्रशासन प्रयासरत है। कल हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनका हिमाचल में अब आवाजाही बंद कर दी गई है। और इसको लेकर जो कांगड़ा प्रशासन है हमारे माध्यम से काफ़ी सारे कदम उठाए गए हैं। खास करके जैसे कुछ वोल्वोज जो हमारी आती थी दिल्ली वगैरह से जो प्राइवेट वोल्वोज थे उनको बंद कर दिया गया है। एचआरटीसी वोल्वोज को ये बताया गया है कि जो हिमाचली लोग हैं वही उनके माध्यम से अंदर आएंगे और वो भी मेरे ख्याल से कल के बाद वो भी क्लोज करने वाले हैं जो इंटरस्टेट हमारी सर्विसेज हैं। जहाँ तक ट्रेन की बात रही, ट्रेन आज मिडनाइट से बंद कर दी गई हैं टिल फर्दर ऑर्डर्स, सो दैट जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो हिमाचल और कांगड़ा में खास करके ना एंटर कर सकें। साथ ही साथ आज सुबह से प्रशासन जो कांगड़ा एयरपोर्ट है वहाँ पे भी लगा हुआ है और इनके जो एयरलाइंस हैं उनके माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिल्ली में ही दी जा रही है कि जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो बोर्ड ना करें। इसके बावजूद भी कुछ लोग कर रहे हैं और आ रहे हैं तो उनको हम एयरपोर्ट पे रोक रहे हैं और अगर एहतियाती तौर पे अगर किसी के माध्यम से हमको परेशानी हुई तो उनको अरेस्ट भी किया जाएगा। कल क्योंकि ये पूरे जिले में, क्योंकि इस तरह की जो सूचनाएं हैं सिर्फ कांगड़ा की बात नहीं है ना हिमाचल की बात है बल्कि पूरे विश्व में हर जगह होर्डिंग और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमारे समक्ष आ रही हैं और इसीलिए पिछले एक हफ्ते से हमारा जो डीएफएससी का विंग है और जो हमारे पुलिस प्रशासन है उसको चौकन्ना किया गया है और हमारी कोशिश है कि इस तरह की कालाबाजारी और होर्डिंग और इस तरह से कोई महंगे दाम पे बेच रहा है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और तुरंत कार्रवाई करेंगे। और उसी के मद्देनज़र कल हमने जब इंस्पेक्शन की तो टांडा के पास ऐसा कुछ मामला हमारे संज्ञान में आया और उसमें हमने तुरंत एफआईआर रजिस्टर किया। और देखिए ऐसा सिर्फ कांगड़ा में नहीं हो रहा है, पूरे हिमाचल पूरे देश भर में इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। मेरा बस इतना ही आप लोगों के माध्यम से लोगों को अपील है कि किसी भी प्रकार की इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर कोई भी अफवाह आ रही है तो 104 नंबर पे और 1077 नंबर पे कॉल करें। हमारे लोग 2400 घंटा कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं, इन्फॉर्मेशन देंगे। कोई भी बाजार बंद करने का, कोई भी इस प्रकार का कदम उठाने के लिए ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं हमारी जारी रहेंगी और लोगों को कम से कम तकलीफ हो परेशानी हो उसकी पूरी कोशिश कांगड़ा प्रशासन कर रहा है।